सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा द्वारा चलाए जा रहे शिक्षा सुधार अभियान को जन जन तक पहुंचाने के लिए आज राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रदेश महासचिव अरविंद वर्मा के नेतृत्व में जिला मुख्यालय बिहार शरीफ में एक बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक में रालोसपा के सभी बूथ अध्यक्ष एवं बूथ सचिव को बुलाकर अभियान को जन जन तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित कराया गया। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा द्वारा चलाए जा रहे शिक्षा सुधार अभियान को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प ही नहीं लिया गया बल्कि बिहार के वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने का भी संकल्प लिया गया। आज रालोसपा नालंदा विधानसभा बूथ स्तरीय बैठक किया गया जिसमें चर्चा राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का जो लगातार 7-8 साल से शिक्षा सुधार, स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए और रोजगार व्यवस्था के लिए, न्यायपालिका के लिए जो सड़क से सदन तक आवाज उठाए हैं वो जनता के बीच पहुंचाने के लिए आज बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं को बताया गया। ये 2020 विधानसभा चुनाव में को लेकर ये बिहार के मुख्यमंत्री निकम में मुख्यमंत्री को उखाड़ फेंकने का शपथ लिया गया। आगे की क्या तैयारी आप लोगों की चल रही है चुनाव को लेकर? तैयारी इसमें क्या करना है, तैयारी तो पूरे 10 वर्ष से तैयारी है। जनता के बीच में मेरा कार्यकर्ता, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का कार्यकर्ता पूरे जनता के बीच में हर समय तत्पर रहता है। दोस्तों, हम लगातार आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।